मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वापस लिए जा चुके कृषि कानूनों पर बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि कृषि कानून 70 साल की आजादी के बाद लाया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म था, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर 19 को अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। संसद में कानून वापस बार 1 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस पर अंतिम मोहर लगाई थी। 17 सितंबर 2020 को लागू किए गए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर देश के इतिहास का सबसे लंबा किसान आंदोलन शुरू हुआ था। पंजाब से सुलगी आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में फैल गई थी। हजारों किसानों ने दिल्ली चलो अभियान के हिस्से के रूप में कानून को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग की और दिल्ली कूच किया था।